हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब जानते भी हो और मानते भी हो कि सफेद चीनी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो इसको सफेद जहर कहा गया है। और हमारी हेल्थ का ध्यान रखना तो हमारे कंट्रोल में ही है ना, तो हम ऐसी चीज क्यों खाएं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, दिल के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसके रिस्क को बढ़ावा देती है, कैंसर के रिस्क को बढ़ावा देती है, डिप्रेशन को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, मैं तो काफी सालों से घर में अब चीनी लेकर ही नहीं आती हूँ। हाँ, मार्केट में गए, कभी कभार कुछ खा लिया, उसमें जो चीनी बाई चांस होती है तो होती है, बस वही। बाकी घर में बिल्कुल भी चीनी जो है मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकर ही नहीं आती हूँ तो यूज क्या करूंगी। चीनी की जगह पर मैं यूज करती हूँ गुड़ या फिर शक्कर, जो कि मीठे का एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में तो गुड़ की ही चाय बनती थी, शक्कर की बनती थी। जैसे व्हाइट चीनी तो कभी कोई यूज करता ही नहीं था, ये तो बाद में ये सब आ गया और सबको इतना इजी लगने लग पड़ा तो इसलिए ये सब स्टार्ट हो गया। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो है हमारे लिए जहर है। फ्रेंड्स, जब से चीनी खाना छोड़ा है तब से मैंने शक्कर और गुड़ के बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करे हैं। वैसे मुझे शक्कर की बजाय ना गुड़ ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने काफी सारे ट्राई करे हैं ब्रांड्स, बट जो अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट ब्रांड लगा है वो है ये वाला जैग वंडर जैगरी। ये सबसे पहली बात तो है कि ऑर्गेनिक है, बिल्कुल भी किसी भी केमिकल से इसको प्रोसेस नहीं किया गया है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो अब चाहे मुझे खीर बनानी हो, चने के लड्डू बनाने हो या कोई भी और मिठाई बनानी हो, मैं चीनी की बजाय इसी को ही यूज करती हूँ। चाय, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, कि मुझे गुड़ की ही अच्छी लगती है, शक्कर की चाय भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें क्या है, इसमें ये मैंने नया बॉक्स मंगवाया था डिब्बा, ये पहले एक पुराना वाला था, ये बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो मैंने ये वाला मंगवा लिया। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं, आई होप आप देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो है गुड़ के क्यूब्स हैं। तो जैसे कि जब तक ये नहीं मिला था तो जैसे फिर गुड़ को मार्केट से लाना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चाय के लिए तोड़कर रखना, या उसी वक्त जब चाय बना रहे हैं तब उसमें तोड़कर डालना, हम जैसे बिजी लोगों के लिए ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो जब से मुझे ये मिली है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें गुड़ के छोटे छोटे क्यूब्स हैं। तो इसमें शक्कर वाली कन्वीनियंस भी है कि स्पून से इसको डालो, और गुड़ वाला टेस्ट भी है, इसीलिए जो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है और काफी देर से मैं अब इसी को यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चूंकि ये जैगरी पाउडर केमिकली ट्रीटेड नहीं है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, तो इसलिए चाय बनाते हुए ना वो फटती नहीं है। अगर केमिकली ट्रीटेड होता है ना जो गुड़ या शक्कर जो भी होता है, तो अगर हम चाय में उसको डालते, चाय बनाते वक्त अगर हम उसको डाल देते तो चाय फट जाती है, इससे चाय फटती नहीं है। मेरी सिस्टर ने मुझे इसके बारे में बताया था तो मुझे पहले, मैं बाय करने से पहले काफी ज्यादा सोच रही थी कि करूं या नहीं करूं, लेकिन जब मैंने इसकी रेटिंग्स देखी और इसके रिव्यूज देखे तो मुझे लगा एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ इसको। तो अब मुझे ये इतनी अच्छी लगने लग पड़ी है कि जैसे मैंने आपको दिखाया पहले कि एक जो डिब्बा इसका खत्म होने वाला होता है तो दूसरा मैं ऑलरेडी मंगवा कर रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, आप सबको पता है कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अगर मुझे वो अच्छे लगते हैं तभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आप मेरी फैमिली हो तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कोई भी अच्छी चीज यूज करती हूँ तो बताती हूँ, तो आपके साथ भी मुझे शेयर करना ही चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसने ये मंगवाया अमेजोन से तो उसको अच्छा लगा, तो उसने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। तो इसलिए ये मत समझना कि कोई प्रमोशनल वीडियो है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सालों बाद एक ऐसी चीज मिली है जिसमें शक्कर जैसी कन्वीनियंस है लेकिन गुड़ वाला टेस्ट पूरा आता है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना तो जरूर बनता ही है। जब भी चाय बनाती हूँ, कुछ और चीज बनाती हूँ, मेनली चाय में मुझे गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी चाय बनाती हूँ ना तो हर बारी सोचती थी कि आपके साथ शेयर करूं, बताऊं। काफी देर से यूज कर रही हूँ तो आज फिर मैंने सोचा आज ये वीडियो बना ही देती हूँ। लिंक में से दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनकेस आप चेकआउट करना चाहो, इसको मंगवाना चाहो तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मंगवा भी सकते हो। इसी ब्रांड के ना क्यूब्स भी आते हैं गुड़ के, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको ट्राई करने का, और फिर ट्राई करूंगी तो आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी मेरा जो भी व्यू होगा उसके बारे में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय फ्रेंड्स।